खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अयोध्या की पावन नगरी में हम मौजूद हैं। आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को सीधा सवाल नहीं जाता है, लेकिन आज 4 बजे संविधान की शपथ के जगह हम यहां पर आपसी भाईचारे की शपथ लेने के लिए हाजिर हो गए हैं। ये स्पेशल एडिशन है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जो लगातार जारी रहेगा 4 से 6 बजे तक यहाँ एबीपी न्यूज पर। आप अयोध्या वासियों की बात सुनने वाले हैं, जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनकी जो बातें हैं वो भी तमाम देशवासी जान पाएंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा अब बहुत दूर नहीं है, तादाद में लोग अब यहाँ आने वाले हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राम पुकार रहे हैं, अयोध्या नगरी पुकार रही है। अब तक आने वाले ये सोचते थे कि 10 तो सिक्योरिटी चेक होंगे, वहां जाएंगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए, लेकिन अब फैसला आने के बाद अच्छे दिन अयोध्या के आ गए हैं। क्या अब अयोध्या में सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं? अब यहां पर जय श्री राम और अल्लाह अकबर साथ में सुनाई देने वाले हैं? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए खास महानुभाव यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर अयोध्या वासी ही नहीं अलग अलग राज्य से आई जनता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जोरदार तालियां। और जो खास मेहमान है उनसे भी मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। यहाँ स्टेज पर हमारे साथ राजू दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि पुजारी है हनुमानगढ़ी के। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत राजू दास जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। बबलू खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। बबलू खान तो खुद यहाँ आकर पत्थरों को धोया है और कहा है कि जब तक प्रभु राम का मंदिर नहीं बन जाता इसी तरीके से हम अग्रसर रहने वाले हैं। बबलू खान साहब के लिए जोरदार तालियां। अध्यक्ष मुस्लिम पंच के परमहंस महाराज साहब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महंत है तपस्वी छावनी के, बहुत बहुत स्वागत है। परमहंस जी के लिए आपको बता दूं कि अपनी चिता लगाकर बैठ गए थे, ये कहा था कि प्रभु राम का अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मैं खुद को समाप्त कर दूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राकेश त्रिपाठी साहब इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मंच पर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। शरद शर्मा साहब आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ ब्रजमोहन दास साहब नजर आ रहे हैं, जो कि महंत हैं दशरथ गद्दी के। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। मुझे लगा था फैसला आने के बाद आप लोग ज्यादा उत्सुक होंगे, तालियों की गड़गड़ाहट तो नहीं बता रही है। शुरुआत परमहंस आचार्य मैं आपसे करना चाहती हूँ। शरद जी जरा इनको माइक दे दीजिए। क्या लगता है आने वाली अयोध्या आपको किस तरीके की नजर आ रही है? रूपका लियाकत जी, आने वाली अयोध्या नहीं, आने वाला जो समय है हिंदुस्तान का, यह पुनः एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। जो हमारा प्राचीन काल का रहा है, जिसको हम लोग खो दिए थे, वो पुनः जो है आज से उसकी शुरुआत हो गई है। मैं बता देना चाहता हूं, आज मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है, इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देशवासियों को। और आज का दिन, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि एक नया सवेरा, नया सवेरा यही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोगों ने इस बात को मान लिया है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और सब लोग भाई भाई हैं। अब हम लोगों को कोई बहका नहीं सकता, हम लोग भाई भाई हैं, अब हमें कोई बहका नहीं सकता है। और इसको शब्दों में पिरोने के लिए लखनऊ से बाकायदा विशेष तौर पर वाहिद अली साहब आए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप वाहिद अली साहब को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके कानों में मिश्री घोल दी गई है। और खास मेहमानों से पहले मैं परिचय करवाऊं, उससे पहले वाहिद भाई, आपकी कविताओं में, आपकी किताबों में वो मोहब्बत भी दिखती है और वो जुनून और वो जज्बा भी दिखता है। जरा बताइए, लखनऊ से खास आप आए हैं अयोध्या, प्रभु राम की नगरी, क्या लाए हैं? मैं आज यहाँ पे बहुत पहले, सबसे पहले बधाई देता हूँ इस निर्णय का। और ये जो सद्भावना की नगरी हमेशा रही है अवध, मेरी किताब है वाहिद के राम। वाहिद के राम
मैंने 20 साल पहले लिखा था, इसमें सवाल उठाए मैंने और कहा उसका जवाब एक दिन आना है। वो जवाब वही आया है जो इस किताब में है। आज मेरी सारी कविताएं मौला अली बजरंग बली से लेके राम पे होंगी और ये कविताएं आप सुनेंगे तो लगेगा कि आपके दिल की। मौला अली बजरंग बली वाहिद अली ने लिखा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले महाकवि तुलसी को प्रणाम करूं जिन्होंने राम को राम की तरह पूरे विश्व में किया है। वो तुलसी कैसे थे, वो तुलसी बड़े कवि थे। मैं उनको सलाम करता हूं और राम के लिए एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि राम का नाम सुनाम सदा सर नाम वही जनमानस में और धन धाम को त्याग चले वन में निष्काम वही जनमानस में जो वीर प्रतिरण धीर बने बल धाम वही जनमानस में पुरुषोत्तम सत्य सनातन है अभिराम वही जनमानस में अभिराम वही जनमानस में। और आज राम के संदर्भ में हम कुछ कह सकते हैं तो मैं यूं कह सकता हूं कि राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। कि राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। और राम का नाम जो ले रहे आप हैं राम समान चरित्र संवारिए। कि राम सलाम की नाम बना पर डूबे न देश ये उसको उबारिए। और राम के वंशज आप हैं तो दुख द्वंद अभाव का रावण मारिए। राम के वंशज आप हैं तो दुख द्वंद अभाव का रावण मारिए। और वो सवाल अब करता हूं जो मैंने कभी किया था, ये सवाल हल होना चाहिए, सुनिएगा। मैं उनके लिए करता हूं जो भेद करते हैं कि विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए। कि विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए। और दूध और पानी की तरह से मिले हम करके अलग बदनाम मत कीजिए। कि दूध और पानी की तरह से मिले हम करके अलग बदनाम मत कीजिए। कि रोशनी के पांव में जो डालते हैं बेड़ियों को ऐसे दृष्टिहीनों को सलाम मत कीजिए। और दप दप करती मशाल जैसी लेखनी को आप चंद सिक्कों में नीलाम मत कीजिए। और वो लेखनी नीलाम नहीं हुई, चाहे वो जज की हो या कवि की हो। तो सवाल ये था, इस पे आपका चाहता हूं, ये सवाल हमेशा गूंजता रहा कि आयतों ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहां जाएंगे। कि आयतों ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहाँ जाएंगे। पांव रखने की जगह आप हमें देंगे नहीं, मेरे जैसे लोग ये अनाम कहाँ जाएंगे। कि बात मान ली गई जो आज अतिवादियों की खुसरो कबीर से सुनाम कहाँ जाएंगे, खुसरो कबीर से सुनाम कहाँ जाएंगे। और मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, राम का ये देश है तो राम कहाँ जाएंगे। मेरे एक का जवाब, और वो जवाब दिया मैंने और वो जवाब गूंजा है और वही फैसला है। हमको भी मिला, सद्भावना को मिला, मंदिर बनेगी, मस्जिद बनेगी। सुनिएगा, इस आखिरी छंद को पढ़ता हूं, फिर क्रम से मैं पढ़ता रहूंगा, सुनिएगा। कि हमने सुना है कुछ लोग यहां ऐसे हैं खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। कुछ शब्द का प्रयोग करता हूं, सब नहीं। कि हमने सुना है कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। वादी प्रतिवादी बने अपनी ही भूमि पर रारसी मचा रहे जो दाढ़ी और केस की। ख्वाजा अजमेरी खुसरो कहीं निजामुद्दीन कहीं पे शब्द कहीं पूजा है गणेश की, कहीं पूजा है गणेश की। और लाठी मारने से जल बटता नहीं है कभी, वाहिद का घर है धरा है ओ देश की, वाहिद का घर है धरा है ओ देश की। और आखिरी छंद, आज से होना क्या चाहिए उस राम के लिए, क्या संदेश राम जी हमको क्या संदेश सकते हैं, आखिरी छंद इसका देखिएगा। कि राम कने है जो देखना है मन मंदिर में अभी राम को देखो। राम कने है जो देखना है मन मंदिर में अभी राम को देखो। अभी राम को देखने से पहले निज लोभ को क्रोध को काम को देखो। ये काम को देखने से पहले तुलसी कीत छंद ललाम को देखो। और देश ललाम जो चाहते हो तुलसी की निगाह से राम को देखो। और इस छंद में
अगर लगे कि आपकी भावना है तो इस आखिरी क्षण में उस भाव को प्रकट करता हूँ जो देश बोलता है। आज से क्या बोलना चाहिए कि तुम काशी के प्रात की बात करो, हम औध के शाम की बात करें। ये तुम काशी के प्रात की बात करो, हम औध की शाम की बात करें। खुसर और रस खान को याद करें और सूर्य के शाम की बात करें। ये तुलसी वन हिम सनित्र बने, मिल छंद ललाम की बात करें। और तुम वाहिद के रब को समझो, हम प्रेम से राम की बात करें। तुम वाहिद के रब को समझो, हम प्रेम से राम की बात करें। तुम वाहिद के रब को समझो, हम प्रेम से राम की बात करें। क्या बात है खान साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और देख लीजिए, इसका मिसाल ये दिख भी रहा है। वास्तव में बता रहा हूँ, ये अयोध्या है, ये अयोध्या है। अयोध्या को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए जो हमेशा जात पात की राजनीति करते हैं, उनको देखना चाहिए। ये अयोध्या है, हम संत महात्मा हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं, जिस तरीके से हमारे कवि साहब ने भी कहा है। वास्तव में देख लीजिए, आपको दिख भी रहा है। अच्छा अच्छा, जब आप ये सारी बातें करते हैं तो एक जो सवाल मन में आता है वो राकेश त्रिपाठी जी आपसे आता है, क्योंकि सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक रोटी आपने भी बड़ी सेकी है, राम के नाम पर वोट आपने भी बहुत बटोरे हैं, अब क्या होगा? देखिए, भगवान राम कभी भी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं रहे। हमने हमेशा कहा है कि जनमानस की आस्था का विषय है, और आस्था के विषय पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमने क्लियर स्टैंड अपना हमेशा लिया था, हम हमेशा उस स्टैंड पर कायम रहे, हमने कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और भारत एक उत्सव धर्मिता का देश है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक कैसे उत्सव जैसा माहौल है। कहीं कोई उन्माद नहीं है, कहीं कोई विषाद नहीं है, कहीं कोई ऐसा नाराज नहीं है, कहीं कोई शोक में नहीं है। आज पूरा देश एकाकार होकर के संवेद स्वर में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला या बीजेपी लेगी इसमें क्रेडिट? मैं मानता हूं कि राम के काम के कोई श्रेय नहीं ले सकता है, प्रभु का काम तो प्रभु की इच्छा से होता है। और प्रभु के काम के लिए ये बात सही है कि बहुत सारी बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने में हमने जो योगदान करना था वो योगदान जरूर पूरा किया। कोई श्रेय ना ले, कोई श्रेय ना ले, फिर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, कोई संत अखाड़ा, कोई अब श्रेय लेने के लिए आगे ना आए। सारा श्रेय जो है उन भक्तों को है जिन्होंने लाखों बलिदान देकर इस पवित्र स्थल की रक्षा की है। मैं समझता हूँ सारा श्रेय जो यहाँ के संतों को जाना चाहिए, यहाँ के महंतों को जाना चाहिए, जिसने इस आंदोलन की ज्वाला को प्रज्वलित करे रखा। क्लैपिंग। आपने तो मेरे सवाल को एकदम इतना बढ़िया लपेट दिया, आपने सबको भक्त बना दिया। क्या सभी भक्त हैं? सभी भक्त हैं, सभी भक्त हैं। महन जी अति उत्साहित, अति आनंदित इन तस्वीरों को देखकर, और जब वाहिद साहब जैसे बैठकर ये कहें कि मैं अपने रब की बात करूं और तुम समझो मेरे रब को, और हम फिर मिलकर राम का जिक्र करें। वाहिद साहब ने बहुत सही कहा, और शरद जी ने जो चर्चाएं की है अति उत्तम है। ये जो मामला है, किसी न हिंदुओं को जोश मनाने की जरूरत, नहीं मुसलमानों को दबने की जरूरत। ये फैसला तो हिंदू मुसलमानों के पक्ष में हुआ है ना। मामला क्या है, आस्था का विषय। उसके बाद भगवान श्री राम के बिना भारत की परिकल्पना कतई संभव नहीं, वो भी अयोध्या में, जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। जिस जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के पूर्व संतों ने नवाज का कार्यक्रम एक मस्जिद बनाकर दे देना, ऐसे यहाँ की एक कल्चर रहा अच्छा है। मैं हनुमानगढ़ी आज गई थी जी, और मैंने वो मस्जिद देखी जी। आपको बहुत बहुत बधाई कि मस्जिद और मस्जिद के पास में आप वो दरगाह ताशकंद, अच्छा बहुत कम लोग जानते, मैं बता दूं कि उस हनुमानगढ़ी के इलाके में वो कहा जाता है, ये मान्यता है कि ताशकंद से राजा आए और वो ऐसे अड़े कि वहाँ गड़ गए। आलमगिरी नाम है, आलमगिरी, शाह आलमगिरी, शाह आलमगिरी मस्जिद की, शाह आलमगिरी हजरत, शाह आलमगिरी की। तो यहाँ का तो ये कल्चर है, यहाँ का कल्चर देखते हम लोग लगातार आपके चैनल के भी माध्यम से लगातार हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इसकी आवाज जाए कि हिंदुस्तान में कितनी शांति है। और शांति के तरीके तौर पे ही आप देखोगे, जो 400 वर्षों से मामला लटका हुआ था, 70 वर्षों से मामला जो अटका हुआ था, और
कुछ दिनों से राजनीतिक करण में यह मामला फंसा हुआ था, ये आज खत्म हो गया कल के डेट में और हिंदू मुस्लिम एक साथ एक स्वर से भव्य श्री राम जन्मभूमि। तो ऐसा तो नहीं है शो खत्म हो जाएगा और आप दोनों हाथ छोड़ देंगे? नहीं, लगातार पूछ लीजिए। हम लोग नहीं परमहंसाचार्य इसके नाते हंसे क्योंकि वो जानते हैं उनके साथ लगातार मुसलमानों ने जुटकर और परमहंस जी का साथ दिया और यज्ञ हवन तक उनके साथ यही बबलू खान जी ने किया। इसके नाते उन्होंने साथ में है। ये राजू भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने 125,000,000,000 जय श्री राम नाम का जाप कराया जिसमें तमाम हिंदू धर्माचार्य साधु संत और राम भक्तों के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई थे, जिसमें बबलू भाई भी थे, वसीम रिज भी थे, तमाम बुरका वाली हमारी मुस्लिम बहनें थी, हमें मुस्लिम बहनें राखी भी बांधती हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे साथ हवन भी कराए। हमेशा बुरका वाली क्यों होती मुस्लिम महिलाएं, जो बिंदी वाली नहीं हो सकती है मुस्लिम महिला? हो सकती है, हो सकती है, होती है। और बबलू भाई हमको बताए, कहे एक दो लोगों ने तो कुछ बूढ़े जो दाढ़ी वाले आए थे उनको बाद में जो है तो वहाँ लोग नाराज हुए तो निकाह दोबारा करना पड़ा। कहो तो बोले दोबारा निकाह करना पड़ा, लेकिन लोग कहे कि भाईचारे का संदेश देने के लिए वो लोग आगे आए और इसीलिए यह जो फैसला हुआ है। आज हमारे तमाम मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि यदि हमें 5 एकड़ जमीन बाहर न मिलती तो हम वहाँ मस्जिद बना ही न पाते और वहाँ नमाज कबूल न होता, और जो गैर विवादित जगह 5 एकड़ मिलेगी वो हमारे इस्लाम के ढंग से अच्छी होगी और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इस बीच बस ये बता देना चाहती हूँ कि संत समिति के अध्यक्ष जो है कन्हैया दास जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बबलू खान साहब जी, आपने तो बहुत से ला दिया आज। जी वास्तव में जो अभी महाराज जी ने कहा दिल ना मिलते तो वास्तव में मुलाकात अधूरी रहती। जी दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। आज मैं बताना चाहता हूँ इस दुनिया में बैठे बैठे कोने में जो जात पात की राजनीति करते हैं, देख लीजिए अयोध्या से हम और हमारे संत महात्मा हम सब एक ही थाली में खाना खाते हैं। और आप लोग भी सुधर जाइए, अपने दिमाग को भी ठीक कर लीजिए। मैन जी, जी जी देखिए अयोध्या का यही मिजाज है। सर सुनिए ना जी, मेरे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे जी, वो मन में यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों पक्के साथी हैं। जी जी, हो सकता है ये स्क्रिप्ट करके आए हों, साथ में बैठे हुए हैं। हम सब एक हैं। हाँ परमहंस आचार्य जी देख लीजिए, भारत माता की जय, हिंदू मातरम मातरम, श्री राम जन्मभूमि की जय। देखिए यही अयोध्या का प्रेम है और सद्भावना है, इसको आज पूरा विश्व देख रहा है। आवाज से नहीं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज 2-3 दिन से लोग देख रहे हैं और इसका असर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे भारत ने दिल से स्वीकार किया, कहीं भी कोई उत्पात नहीं हुआ। और तमाम जो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी रोटियां सेकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके रोटियां सेकने का कारखाना बंद कर दिया और पूरे भारत में अमन चैन का रास्ता खोल दिया। आज हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक मंच पे बैठते हैं, हम लोग साथ में भोजन करते हैं, हमारे आश्रम में प्रसाद पाते हैं, हम लोग बातें करते हैं और ये एकता अयोध्या की है, इसको पूरा दुनिया देख रहा है। अच्छा कन्हैया दास जी, उससे पहले आप ये अपनी बात रखें, बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ और ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि हमारे जो NSA अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके घर पर अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो वहाँ पर गए हैं, उनसे बातचीत हुई है और NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, क्योंकि देखिए फैसला आ गया है और अभी भी कोशिश पूरी करनी है कि कोई असामाजिक तत्व जो है चिंगारी भड़काने ना पाए। सुनिए आप अजीत डोभाल क्या कह रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका था लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों ने बात की कि रिवीजन में ना जाए तो फिर और बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को बना रहने दिया जाए, रिवीजन में ना जाए बेहतर है और अगली नस्लों तक ये विवाद और झगड़ा ना जाए, इसी नस्ल तक और इसी जनरेशन तक ये विवाद और ये झगड़ा खत्म हो जाए। ये बात लेकिन ये भी हुआ कि अगर कोई अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कोई पूरे मानों में न लिया जाए, तो उसको अपना हक हासिल राय खाते जाना चाहता जाए, लेकिन हम लोग ये राय नहीं है कि जाए कोई,
بلکہ یہیں پر مسئلے کو ختم کرنا زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ بتا دوں آپ کو, میں نے کہا تھا این ایس اے اجیت ڈوبال کا بیان آیا ہے, معاف کیجیے گا, کل بھی جب بات کو اس وقت آپ سن رہے تھے جو یہ بات بتا رہے تھے کہ ہماری ملاقات ہوئی اور شانتی بنی رہے, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو, امن اور چین کے راستے پر ہندوستان رہے, تو اسی لیے سارے دھرم گروؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کنہیا داس جی, اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ٹپنی دیں, مجھے لگتا ہے اور کیا ہم اب سکون میں رہ سکتے ہیں کہ اب سب بڑھیا ہی آگے ہوگا, مطلب وہ خوف وہ ڈر اب نہیں پالنا چاہیے کہ نہیں تھوڑا انتظار کر لیں. یہ مثال بھگوان رام نے ایودھیا میں جب جنم لیا تو پورے سنسار میں شانتی ہوئی, سب نر کر رہی پرسپر پریتی, تو بھگوان رام کی جنم بھومی پر مندر کا نرماڑ ہوگا تو بھارت ہی نہیں سمپورن وشو میں شانتی ہوگی, ہندو مسلمان کا بھائی چارہ سدبھاؤ پریم بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, سوتنتر بھارت کا ایک اجول بھوش کی نیو پڑھنے جا رہی ہے جس میں ہندو اور مسلم سدا سدا کے لیے بھائی ہو جائیں گے. جو ایک بٹوارا کا داغ پڑتا تھا وہ مٹ گیا, سپریم کورٹ کا جیسے نام سپریم ہے اس کا فیصلہ بھی سوڑ اکشر میں لکھے جانے جوگ ہے. اگر اتہاس کبھی لکھا جائے گا تو ہوگا کہ ایک ایسا کوئی جج تھے جو پانچ لوگوں نے ایک مت سے رام جنم بھومی کے فیصلہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو بھی مان سمان کی رکشا کر دیا, یہ سمبھو نہیں تھا جو بھارت کے سمویدھان نے سمبھو کر دیا. جی کریں گے جی, ہمارے ساتھ مرلی کرشن جی مہاراج بھی جڑے ہیں, رام جنم بھومی نیاس کے پرتندھی ہیں. مرلی جی میں اپنا مائک آپ کو سونپتی ہوں, تب تک میں آپ کا مائک ادھار لے رہی ہوں. اتل کرشن جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, اتل جی مائک لے لیجیے. آپ کی ٹپنی چاہتی ہوں, فیصلہ آ چکا ہے, اب لگاتار جو ہے یہ آگرہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی چارہ بنا رہے وہ نہ ٹوٹنے پائے. سب سے پہلے تو سبھی لوگوں سے ایک بات ہے, ایک بار پریم سے بولو جے شری رام. یہ جو پل ہے وستہ بڑے سوبھاگیہ کا وشے ہے کہ آج سمست وشو کے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں تک سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں, چاہے جو مسلمان بھی ہیں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں, سب کی نظر اس بھارت بھومی پہ لگی ہوئی تھی کل کے دن میں, اور جو ہمارے ججوں نے نرنے دیا ہے وہ بھی بدھائی کے یوگ ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑی بدھائی کی یوگ ہمارے بھارت کے جو 125 کروڑ جن مانس ہے وہ ہے جو پوری شانتی کے ساتھ میں یہ پریچے دیا ہے کہ کہیں کسی پرکار کوئی دنگا نہیں. کسی نے کئی لوگوں نے سوہارد بگاڑنے کا پریاس بھی کیا ہے لیکن پورن روپین شانتی بنی ہوئی ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ویکتی یہی چاہے کہ جو بھارت کا رہنے والا ہے وہ بھارتی ہے اور بھارتی بن کر کے ہی رہے, کوئی آتنک وادی نہ. پرم ہنس آچاریہ بہت صحیح مہاراج جی نے کہا کہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی دھرم بعد میں سب سے بڑا دھرم ہم بھارتی ہیں, اور بھارتی سمویدھان ہمارے لیے سب کے لیے سب سے بڑا گرنتھ ہے, اور نیائے پالیکا کا آدیش ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا یہ دھرمادیش ہے, اور سروچ نیالے نے جو آدیش دیا ہے اس میں کسی کو کہیں کوئی بھی آپتی نہیں ہے. اور میں بتا دوں اگر اس میں اوبیسی جیسے اگر کوئی بھڑکانے کا بھی پریاس کر رہا ہے تو دیکھیے ہندو مسلمان سکھ عیسائی اتنے جو ہے سنتوشت جاگرک ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا سویرا ہے, یہ رام راج کی شروعات ہے, اب نفرتوں کا دور ختم ہو گیا ہے. اگر دو چار لوگ چاہیں کہ ہم سوہارد کو بگاڑ لیں تو ان کے پاس اب جو ہے ان کا اب چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, پبلک سمجھ چکی ہے اور یہ بھائی چارہ کسی قیمت پر اب بگڑنے والا نہیں ہے. راکیش ترپاٹی جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھائی چارہ بگاڑنے کی کوشش بہتوں کی طرف سے ہو رہی ہے پر اب بگڑنے نہ پائے گا؟ دیکھیے جس طرح سے پردھان منتری جی نے کل اپنے بھاشن میں ایک بات کہی کہ 9 تاریخ کے ایک تاریخی گواہ ہے جب برلن کی دیوار گرائی گئی تھی اور ایک جو چھدم جرمنی کے دونوں حصوں میں تھا وہ دیوار گر گئی, ایسے ہی چھدم سیکولرزم کے نام پر
पंथ निरपेक्षता के छद्म नाम पर यहां पर एक दीवार बनाने का प्रयास किया जाता था, आज वो प्रयास समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिसको भी देखना है वो अयोध्या से निकले इस संदेश को देखे, आपकी चर्चा से निकल रहे संदेश को देखे, अयोध्या की गलियों से चौराहों से संदेश को देखे, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है जिस घटना से मस्तिष्क पर कोई तनाव की लकीरें उत्पन्न हो। ये उत्तर प्रदेश की देश के जनमानस का कहीं ना कहीं आज उनके जनमानस पूरे जनमानस को आज इस बात के लिए आभार मिलना चाहिए, उसको बधाइयां मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, पूरे देश में कहीं भी एक भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी है और मैं समझता हूँ मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम को बनाया था, उन्होंने जो कल्पना किया होगा, जो सपना देखा होगा, आज वो साकार हुआ है कि आज इंसानियत की विजय हुई है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुशी है और सब चाहते हैं कि हम सब लोग ये मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से, मर्यादा माने अनुशासन, हम सब ऐसे अनुशासित रहे, पूरा विश्व इसके लिए जो है इसका चर्चा करे। इतिहास गवाह है कि जिस तरह से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड पहले राजा होते थे और महाराज यही अयोध्या में बैठते थे, चाहे चक्रवर्ती दशरथ जी थे, महाराज रघु थे, महाराज राम थे, सबका नेतृत्व अयोध्या से होता था और वो आज पुनः दिखाई दे रहा है आपके मंच के माध्यम से। परमहंस आचार्य आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली जो है आप शिफ्ट करके अयोध्या ले आई जाए? दिल्ली के पहले अयोध्या सेंटर नहीं, था। अब आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा ये है कि दिल्ली के लोग अयोध्या में जो है प्रणाम करते आते रहे और मोदी जी बहुत जल्दी आके राम मंदिर का शिलान्यास करें। जय श्री राम। ये विषय मंदिर और मस्जिद की नहीं थी, ये विषय था जन्मभूमि का, और जन्मभूमि किसी का एक होगा, एक हजार नहीं होगा। तो मान जी ऐसा तो क्यों होता था कि मेरे डिबेट में तो अक्सर यही हुआ करता था? ना 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 ना, मेरे डिबेट में आप लोग लड़ते थे? नहीं नहीं, आरोप मुझ पे लगता था। कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग लड़ते थे? कब लड़ाई किया कभी? हमारे साथ सब लोग थे, मैंने यही कहा। नहीं मैं कह रही हूँ फैसला अच्छा, लेकिन अच्छी बात है जी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि आप लोगों ने सोचा था कि फैसला आने के बाद इतनी मोहब्बत दिखेगी? फैसला आने के पहले भी अयोध्या में इतनी मोहब्बत थी? मोहब्बत पहले थी नहीं? आपको क्या लगता है, आज लगा था कि फैसला आने के बाद इतनी मोहब्बत दिखेगी, प्रेम दिखेगा हिंदू मुसलमान शुरू से है अयोध्या में? अयोध्या वासी साहब पूछ के बताओ, अयोध्या जैसा प्रेम आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ कि भारत के संविधान की सुप्रीमेसी जिस तरह की है, भारत के संविधान से बने हुए न्यायालय से जो फैसला आया है वो भारत ने, क्योंकि समूचे भारतवासी वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, इस भारत भूमि में आस्था रखते हैं और भारत भूमि के लिए बनाए गए संविधान में, भारत की न्यायपालिका में सबने अपना भरोसा जताया है और सबने उसको स्वीकार किया है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? यहीं से आए बेटा। यहीं से? हाँ यहीं से आए हैं। तो आप आइए जरा, आपको कुर्सी दी जाए, आपको बिठाया जाए और उसके बाद डिबेट शुरू की जाए। बहुत बढ़िया, बैठिए इधर। अब ये बताइए कि प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद आपने क्या किया सुनकर? बहुत खुशी हुई, मेरे तो आंख से आंसू निकल आए कि ये फैसला इतना बढ़िया हुआ, वो बयान नहीं कर सकते हैं हम। बहुत बड़ी खुशी हुई है सुन के और सारा दिन हम एबीपी न्यूज देख रहे हैं आज, अभी आने को लगा। ये हिंदुस्तान की आस्था है, देख लीजिए आप। नहीं मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं अयोध्या की बहुत सी गलियों में गई हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात की है। प्रभु राम का नाम लेते ही वो खुशी के आंसू मैंने अपनी आंखों से देखे और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ कितने कल्पवासी हैं जिनको ये पता लगा कि फैसला आ चुका है, वो राम लेते ही नाम अपने जुबान पर, आंखों में उनके आंसू थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, जवान थे और वो ये कह रहे थे कि इसकी शिद्दत से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और ये पूरा हो गया है। फैसला आने के पहले, अभी आपने कहा कि फैसला आने के बाद ये एकता नजर आ रही है, ऐसी बात नहीं। फैसला आने से पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता थी अयोध्या में, मगर लोग इस तरह दिखाते थे। सर तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी, सॉल्व कर देते केस बाहर ही। मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो एकता, ये बहुत पहले से, अगर एकता नहीं होती तो हनुमानगढ़ी द्वारा मस्जिद बनाकर क्यों मुस्लिम भाइयों को दिया जाता? एकता ना रहती तो बबलू खान क्यों मंदिरों में आके भंडारा पाते, क्यों दक्षिणा लेते, क्यों गले मिलते? ये एकता बहुत पहले थी, लेकिन जब फैसला आया तो लोग ये
चारों पूरे भारत में फैलाए थे कि फैसला आएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा और पूरा उपद्रव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की जनता ने, भारत के हिंदू मुस्लिम ने एक होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और इसको देखकर जो धंधा चलाने वाले लोग थे हिंदू मुस्लिम हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई। राइट नहीं, राइट हो गए हिंदू मुसलमानों में, राइट। ये बढ़िया लाइन दी है परमहंसाचार्य आपने। अच्छा ये बता दूं कि अब से पहले जितने जो धर्मगुरु मिले थे एनएसए अजीत डोभाल से, उसके बाद स्वामी रामदेव ने बयान दिया है, मेरे सहयोगी है प्रफुल्ल श्रीवास्तव, उन्होंने बात की है। आप ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। कि भाई हमारे पूर्वज एक थे, हमारा डीएनए एक है, हमारा देश एक है, और जिस ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की हम उपासना करते हैं वो भी एक है, तो फिर हम ये किसी भी तरह की डिवीजन वाली बातों को हम अपने केंद्र में नहीं रखेंगे। हम एकता वाली बातें, प्रेम भाईचारे वाली बातें, समृद्धि की बातें, यहाँ तक कि हमारे बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ये पहली बार ऐसा है कि एनएसए के घर पे बैठक हो रही है इस फैसले के बाद, और कोई सरकार की तरफ से हिदायत या कोई निर्देश आप लोगों के जरिए? देखिए, सब ने कहा कि हम सरकार का पूर्ण सहयोग करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो हम सरकार के साथ हैं, हम देश के संविधान में आस्था रखते हैं, देश के न्यायालय में आस्था रखते हैं। तो ये एक तरह से बहुत सौहार्द के बीच में बैठक हुई है, और देश में जो किसी भी तरह के जो अराजक तत्व हैं वो अब सिर नहीं उठा सके। क्या आगे भी होंगी ऐसी बैठक? आगे भी हमारे साथ सलाहकार से मुलाकात करने के बाद बाबा रामदेव की सौहार्द उसको बनाए रखी ये बैठक हुई थी, और इसमें सब ईश्वर ने कहा कि हमें सबसे पहले तक तो आप सिर्फ अयोध्या में देखा करते थे कि हर धर्म के, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो या हिंदू सनातन धर्म गुरु हो, वो आपको इस मंच पर नजर आते थे, लेकिन आप देखिए एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करने के लिए भी वहाँ पर बकायदा पहुँच रहे हैं। शरद जी, विश्व हिंदू परिषद इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको कहा जाता है कि कठोर सोच वाले लोग हैं आप बताइए कि इस हिंदू मुसलमान एकता को आगे रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद पर से क्या करेगी? देखिए, हम कहीं ना कहीं संघ परिवार के अंग हैं, और संघ परिवार में किस प्रकार से आपने देखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना हुआ है, और सारे ये जो बबलू खान जी हैं उससे जुड़े हुए हैं, और भी तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अरे आप संघ की आड़ में मत आइए ना, विश्व हिंदू परिषद की बात कीजिए। विश्व हिंदू परिषद उसी का अंग है, संघ का ही। विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार में कोई अलग नहीं हो सकता, सदस्य के रूप में हम उनके एक, क्या कहते हैं, एक सदस्य के रूप में जो एक शाखा है, और हम समझते हैं कि जब बड़ों का आशीर्वाद है और सबको एक समायोजित कर लिया तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। सुनिए, दूसरी बात ये है, मैं बताती हूँ इसको थोड़ा आसान शब्दों में। भाई एक परिवार में, आप कह रहे हैं एक परिवार का हिस्सा है, एक परिवार में शांत बच्चा भी होता है और एक परिवार में थोड़ा सा चंचल बच्चा भी होता है, बदमाश भी होता है। तो मुझे ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद बदमाशी नहीं करता है? मैं तो आपने, मैंने बदमाश आपको बोला ही नहीं है। आपने चंचल क्यों नहीं लिया? कठोर जरूर है, आपने चंचल क्यों नहीं लिया? मैंने कहा कठोरता उसके प्रति है जो इस राष्ट्र में विभाजनकारी शक्तियां हैं, कठोरता उनके लिए है जो इस देश को अपना नहीं समझती है। शरद जी मैंने तो तीन उदाहरण दिए, जिन्होंने मैंने तो तीन उदाहरण दिए, सम्मान नहीं दिया। शरद जी मैंने तो तीन उदाहरण दिए, मैंने कहा शांत भी होते हैं, चंचल भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं। आपने ये शांत और चंचल क्यों छोड़ दिया? आपको क्यों लगा कि बदमाश आपके लिए है? नहीं, आपने जिस प्रकार से कठोरता सब अपनाया, आपका कठोरता उनके लिए जो विभाजनकारी शक्तियां हैं। इन्होंने जो कहा है कि संघ की, संघ का ही एक अंग है भीप। देखिए, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हमने देखा है कि ये लोग भिक्षा मांग करके भी यदि कहीं दैवी आपदा आती है तो अपने जान को जोखिम में डाल करके सेवा करते हैं। इसलिए राष्ट्रभक्तों का संगठन था, है और रहेगा। इनका तहे दिल से एक बार स्वागत हो जाए तालियों के साथ, और मैं चाहूंगा आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद को राष्ट्रीय संगठन घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन राष्ट्रीय संगठन घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन ये है, वो विश्व हिंदू परिषद मुसलमान का विरोधी नहीं है। हम लोग लगातार देखते रहते हैं, हम लोग अयोध्या वासी हैं और हम लोगों ने भी कतिपय तमाम कार्यक्रमों में सहयोग किया उनके,
उनकी कोशिश रहती है, ऐसा कहीं कोई अयोध्या में मामला तो नहीं आया कि मुसलमानों को यहाँ से बाहर खदेड़ दो, बाहर भगा दो, ऐसी कोई इनकी योजना देखने को नहीं मिला, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि अयोध्या के जिस गलियों में मैं गई वहाँ देखा, चाहे बूढ़े हों बच्चे हों, जिनके मैंने चर्चा किया, जिसने सुना कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, लोग रोने लगे। ये सोचनीय विषय है, इसके नाते सोचनीय विषय है कि आप दीदी राम जन्मभूमि परिसर में जाकर एक बार देखो, और जब आप देखोगी तो हमको नीचे से ऊपर देखो कितने ठाठ में हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं अयोध्या में बहुत दफा आई हूं, दीदी बहुत बार आई हूं, लेकिन मैं राम लला को ठाठ में नहीं देख सकती हूं, मैं नहीं गई हूं। बहुत ईमानदारी से आपको बता रही हूं, मैं बहुत ईमानदारी से आपको। रोना इसी के लिए है कि जब आप हम लोग किसी भी मठ मंदिर में जाते हैं एक मिनट, तो कुछ पान पत्ती फूल लेकर जाते हैं अपने इष्ट को आराध को चढ़ाने के लिए। वहाँ स्थिति ये थी कि भगवान के कपड़े साल में एक बार बदलते थे, टेंट बदलवाने में हमको 4 साल लग गए। इसके नाते जैसे लोग सुनते हैं इस बार रामलला के दर्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी भावना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मन से खड़ा होकर आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि भारत की असली पहचान यही है, भारत की असली शक्ति यही है, इसीलिए भारत को मात्र शक्ति कहा जाता है। हम लोग माताओं की पूजा करते हैं, और यही गरिमा है हम लोग के अंदर, यही संस्कार है जो माताओं से हम लोग प्राप्त करते हैं। अभी रुबिया जी ने जो कहा है, मेरी बहन है वो, कि अभी तक वो रामलला का दर्शन इसलिए नहीं क्योंकि वो रामलला को टेंट में देखना नहीं चाहती हैं। तो आपके भाई ने पूरा एड़ी से चोटी तक पूरा ताकर लगा दिया, और वो दिन भी आ गया है कि अब भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद आप बबलू खान जी के पीछे तमाम ऐसे लोग अयोध्या के भी लगे थे 2-3, जो ये कभी कतई नहीं चाहते कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठे मठ मंदिर में आए और भंडारा खाए और शांति का पैगाम जाए, ऐसे इनके पीछे तमाम ऐसे मुसलमान लगे। डिबेट में भी मैंने देखा वो लोग बैठते थे। आपके पास आऊंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे वाहिद अली यहाँ पर बैठे, क्यों नहीं सुनना चाहेंगे उनको? वाहिद अली जी बिल्कुल सुनेंगे, वाहिद को राम को कौन नहीं सुनना चाहेगा। ये तो इतना बढ़िया राम रहीम का गा रहे हैं, क्या बात। श्री राम के संदर्भ में तमाम लोगों ने अपनी बातें की, मैं उनके अनन्य सेवक हनुमान जी के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं। अद्भुत। और वो कविता है मौला अली बजरंग बली। मैं कल्पना करता था कि रास्ते अलग अलग हैं, लोग नारे अलग लगाते हैं, दंगे हो जाते हैं, अगर ये नारे एक हो जाए जिस दिन, मैं समझता हूँ देश मजबूत हो सकता है। अली साहब भी शक्ति के प्रतीक, मोहम्मद साहब भी शक्ति और राम भी शक्ति के प्रतीक हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ। और एक शेर पहले पढ़ता हूँ, जो लोग मुझे कोई सवाल मुझ पर भी उठाते हैं, मैं ये सब लिखता हूँ कि तहजीब कह रही है कि सलाम कीजिए, तहजीब कह रही है कि सलाम कीजिए, आदाब अर्ज या की राम राम कीजिए, और बजती रहे ये घंटियां हनुमानगढ़ी में, फिर आप भी अजान सुबह शाम कीजिए। बजती रहे ये घंटियां हनुमानगढ़ी में, फिर आप भी अजान सुबह शाम कीजिए, और कानों में कहना छोड़िए वाहिद बुरा भला, मुझसे सवाल आप सरेआम कीजिए, मुझसे सवाल आप सरेआम कीजिए। उसका जवाब कविता देती है, साहित्यकार देता है, कवि देता है, पत्रकार देता है। मैं एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, इस कविता का शायरी का क्या मोशन होना, क्या मोटिव होना चाहिए, कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है, जिनको वतन में आग लगाना पसंद है उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। क्या बात है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है, और उनको पसंद खून धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। क्या बात है, चिराग जलाने आए हैं, बुझे चिराग जलाना पसंद है। सवाल तो उठते रहेंगे, रुका जी पे भी उठते हैं, कभी हम पे लिखते हैं कि कीचड़ में गिरे लोग हैं कीचड़ उठालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है। क्या बात है, क्या कीचड़ में गिरे लोग हैं कीचड़ उछालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है, और पलने लगे हो नाच जहां आस्तीन में, ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है, ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है, और जन्नत मेरी जमीन है, सजदा मेरा यही, कदमों में माँ के सिर को झुकाना पसंद है, कदमों में। आइएगा मैं वो कविता पढ़ता हूँ। ए धूप है बादल नहीं बरस रहे हैं,
कभी कहता है कि आओ प्रेम के आंसू बरसाएं और माहौल बन जाएगा। अली बजरंगबली सुनिएगा। कि जेठ की धूप में चैन मिले बरस जो मोहब्बत की बदली, जेठ की धूप में चैन मिले बरस जो मोहब्बत की बदली, बदली बरस जब राम बजा सकते हैं कि बदली बरस जब राम गली, खुश हो के चले रमजान अली, खुश हो के चले रमजान अली, रमजान अली नौ रात्रि जगे अफतार कराते हैं राम बली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली मियां वाहिद बोल मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली। और दिल बड़ा करिएगा कैसे कि जब पूजा अजान में भेद न हो खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली, जब पूजा अजान में भेद न हो खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली, रहमान की राम की एक सदा घुलती मुख में मिश्री की डली, घुलती मुख में मिश्री की डली, जब संत फकीरों की राह मिली सब भूल गए पिछली अगली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली मियां वाहिद बोलते मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली। लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र एक वोट का अधिकार है। मैं अब सबको सलाम करता हूं, देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, लेकिन ये देश एक है तो कैसे। मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह को याद करता हूं, इस छंद का आखिरी छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये संगीत सुरों को मिला के बना कोई ढोल बजाए कोई ढपली, संगीत सुरों को मिला के बना कोई ढोल बजाए कोई ढपली, बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे हर बीन पे नागिन है मचली, हर बीन पे नागिन है मचली, इस सद्भाव के ताल में ताल मिला फिर याद रही बस प्रेम गली, तब वाहिद बोलत मौला अली बजरंग बली, बजरंग बली मियां वाहिद बोलते। और वो जन्मदाता एक है तो मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि वो संगीत है तो पूरी दुनिया में है। वो कौन है कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, वो नचाता हुआ सब नाच रहे चलते चरखे तकुआ तकली, कि वह प्रेम के सागर सा दिखता हम है नदिया छिछली उथली, और उसकी एक बूंद है मौला अली, एक बूंद वही बजरंग बली, एक बूंद वही बजरंग बली, मियां वाहिद बोलते मौला अली। बहुत खूब, बहुत खूब परमानंद जी, बहुत अच्छा लगा और मुझे तो आंख में आंसू आ गए जब रूपका लियाकत जी आपने कहा कि प्रभु श्री राम को मैं टेंट में नहीं देख सकती हूँ। इससे कोई समझ सकता है कि भारतवासियों का, माताओं बहनों का कितना प्रेम प्रभु श्री राम में है। मुझे तो अटल जी की एक बात याद आ रही है, अटल जी जब दुनिया की विजिट करने गए, इंडोनेशिया पहुंचे, देखे रामलीला हो रही थी, पूछे बोले ये तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ रामलीला हो रही है क्या मतलब है। मुस्लिम भाइयों ने कहा कहे हम लोगों ने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं बदला। बोले सबके पूर्वज राम थे, सबके पूर्वज राम है, सबके पूर्वज राम रहेंगे, क्योंकि राम मतलब, राम से मतलब क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहता है, कहता है जितना स्नेह जितना आदर हम प्रभु राम का करते हैं उतना आदर राम जी कहते हैं प्रत्येक भारतीय का होना चाहिए। ये दूसरी संस्कृति नहीं बता सकती। मुझे तो नहीं पता परमहंसाचार्य कि प्रभु राम ने कब ये कहा कि मुझे अयोध्या के हिंदुओं से ही प्यार है, उन्होंने तो कहा कि मुझे अयोध्या वासियों से प्यार है। उन्होंने तो कहा कि अयोध्या वासियों से प्यार है और उस अयोध्या वासी जो है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है, और इसीलिए बाकी सारे धर्मों के लोग भी उनका उतना ही आदर करते हैं। बबलू खान साहब आप बता पाएंगे कि हम जब प्रभु राम का जिक्र करते हैं तो इमाम हिंद उन्हें कहते हैं, ये दर्जा इमाम हिंद का, इसीलिए तो उन्हें मिला है। बिल्कुल, कि हमारे वलियों के वली वो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वलियों के वली, जिस तरह से हमारे कई पैगंबर हैं उसी तरह से राम को भी हम एक पैगंबर के रूप में मानते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ा और ये जो कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है,
हम सभी को, हिंदू मुस्लिम को, जिस तरीके से हम लोग मान रहे हैं, देश के कोने कोने पे बैठे हुए हम सबको देखकर सभी को स्वीकार करना होगा। कुछ लोग तो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग तो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में जो आग भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे देश के जो सबसे बड़ा अदालत है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा वो कर, तरजी देनी भी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको उनको तत्काल ऐसा कर रहे हैं तो उनको अब जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि जो कि हमारे हिंदुस्तान का सौहार्द बना रहे। मुरली कृष्ण जी हमारे साथ यहाँ पर अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो श्रीनिवास रामानुज यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, क्यों ना कुछ सुर यहाँ पर आपकी तरफ से भी। इन्होंने कहा कि मियाँ वाहिद अली कहे बजरंग बली। नहीं, बहुत सुंदर आपने शेर को फरमाया और आपकी जो भावनाएं हैं वो जन जन के हृदय में उतर रही हैं और बहुत ही सुंदर आपने वक्तव्य दिया।